साइज एसयूवी में ये है एमजी की ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म। पावर के साथ परफॉर्मेंस का दूसरा नाम। तेजी से आगे बढ़ती हुई ये व्हीकल एसयूवी। इस सेगमेंट की अगर गाड़ी आप लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरा इस वीडियो को जरूर देखिए। क्या ये कंपनी दावा करती है इसको लेकर और किस तरह के फीचर से लबरेज है, आइए शुरू करते हैं। ये है एमजी ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म और हमारे कैमरामैन साहब कह रहे हैं कि पूरी तरह से हाथी है ये। जी हाँ बिल्कुल, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि कितना विशाल लुक है इसका। फॉर्च्यूनर से अगर कंपैरिजन करें इसके हाइट की तो उससे भी ऊंची है ये। ब्लैक स्टॉर्म के नाम से है ये और वो सारा कुछ खास तौर से दिख भी रहा है। देखिए इस गाड़ी की अगर बात करें एमजी ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म तो अंदर से तो आपको इसका ब्लैक लुक मिलेगा ही हर जगह, वो जो लोग चाह रहे हैं और एक तरह से एक अलग फील के लिए। इसके अलावा फीचर्स की अगर बात करें तो देखिए आपके स्क्रीन पर 12.3 इंच का ये स्क्रीन आपको मिल रहा है और इसमें तकरीबन 75+ फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, उस पर भी हम अलग अलग बात कर लेंगे। लेकिन पहले जो दिख रहा है उस पर अगर हम बात करें, ये स्टीयरिंग पर आप देखिए इसमें क्या कुछ है। यहाँ पर क्रूज कंट्रोल का बटन दिया हुआ है, उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। राइट साइड देखिए तो यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल के बटन दिए हुए हैं, फ़ोन अगर आपका आता है तो आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। वॉइस कमांड जो दिया गया है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस पैनल को अगर इस पर नज़र डालें तो देखिए इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। ये है आपका ड्राइव मोड। ड्राइव मोड के अलावा अगर इस कार को एसयूवी को आप मैन्युअली भी चलाना चाहें तो मैनुअल पे डाल के आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड फुल 8 गियर बॉक्स हैं इसमें। ये न्यूट्रल का बटन है, ये रिवर्स का है, ये पार्किंग दिया हुआ है। इसके अलावा ये एसयूवी जो है 7 अलग अलग ड्राइविंग मोड भी दिए हुए हैं, स्नो, मड, सैंड, रॉक, इको और साथ ही साथ स्पोर्ट्स। ये तमाम फीचर यहाँ हैं। एसी की अगर बात करें तो एसी ज़बरदस्त है। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए 3 अलग अलग जोन है, जैसे एक मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अपना टेम्परेचर खुद सेट अलग सेट कर सकता हूँ, को पैसेंजर अलग, पीछे बैठने वाले लोग अलग तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। फीचर्स के मामले में कंपनी भी ये कह रही है कि ये लग्जरी गाड़ियों से मुकाबला करती है। देखिए तमाम तरह के फीचर्स हैं इसके, एसी का मैंने आपको इसका बताया ही। इस सीट की अगर बात करें तो इस सीट में वेंटिलेटेड का भी फीचर दिया हुआ है। ये सीट वेंटिलेटेड है यानी आपको इसमें ठंडी हवा का भी झोंका मिलता रहेगा, लेकिन ये फीचर बगल वाली सीट के लिए नहीं है। हीट होने के लिए ऑप्शंस इसमें भी है और को पैसेंजर के लिए भी है। इसके अलावा अगर आप जो मेरे राइट साइड पे बटन्स दिए हुए हैं सीट के जस्ट नीचे, इसमें मसाज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यानी आप कहीं आराम से बैठ के मसाज का भी मजा ले सकते हैं। 2 इसमें मेमोरीज दी हुई है। मान लीजिए आपके घर में 2 लोग इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और सबकी अपनी अलग अलग सेटिंग होती है सीट की और साथ ही ये साइड व्यू मिरर की, तो उस पर कोई भी एक व्यक्ति अपना फीचर अपना जो है सेटिंग सेट कर सकता है। बस कोई 1 नंबर दबाया जो बैठता है तो उसके हिसाब से उसका साइड व्यू मिरर और ये सीट की अरेंजमेंट वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। दूसरे वाला दूसरे तरीके से दबाए तो उसका भी हो जाएगा, तो ये भी एक फ़ीचर है। ये जितने बटन्स आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये ड्राइविंग सीट को 12 तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है अपने कम्फर्ट के मुताबिक। इसके अलावा इस जगह को आप देखें तो यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है, थोड़ी सी जगह रखने के लिए मिल जाती है। 12 वोल्ट का एक सॉकेट यहाँ पर है। इसके अलावा ये वो जगह है, यहाँ पे भी आपको स्पेस है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस गहरा है। पीछे भी इस तरह के पोर्ट मिल जाते हैं। AC कंट्रोल के लिए पीछे वाली सीट पे भी सारे बटन्स दिए हुए हैं। अब आते हैं उस फीचर के बारे में बात करेंगे जो
इस रेंज की गाड़ियों में नहीं है। वो है आपका इसका सनरूफ, पैनोरमिक सनरूफ, यानी पूरा शुरू से लेके आखिर तक ये इसका सनरूफ खुलता है। देखिए मैं इसको वॉइस कमांड के जरिए हेलो एम जी, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? ओपन सनरूफ। अभी पूरा का पूरा सनरूफ खुल रहा है। ये इसका ज़बरदस्त और मज़ेदार फीचर है और इसको लोग मतलब इस रेंज की गाड़ियों में एक डिमांड भी थी, चाहत थी लोगों की, जो MG ने इसमें पूरा किया है। वॉइस कमांड इसका ज़बरदस्त है। किसी भी गाड़ी का मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू होता है उसका सेफ्टी फीचर। तो यहाँ पर इस गाड़ी की अगर बात करें तो 6 एयरबैग आपको यहाँ पर मिलेंगे, ABS, EBD मिलेगा ही। इसके अलावा एंटी फटीक, यानी अगर ड्राइवर को झपकी आ रही है तो वो आपको अलर्ट करने के लिए है। साथ ही साथ इसमें अडास एक फीचर है जिसमें तमाम तरह से अगर आप लेन चेंज करते हैं या इस तरह की कोई और गलतियाँ करते हैं तो वो फर्स्ट लेवल का ये सिस्टम है जिसमें कुछ आपको अलर्ट करेगा। इसके अलावा गाड़ी अगर आपकी कहीं चढ़ाई पर जा रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम दिया हुआ है, कहीं ढलान पे है तो वो भी फिसले के नहीं कंट्रोल होगा। अब बात गाड़ी के दिल की, यानी इंजन की। 2 लीटर डीजल इंजन इसमें दिया गया है। इसके अलावा 2 वेरिएंट, सिंगल टर्बो और ट्विन टर्बो। सिंगल टर्बो यानी 2 व्हील ड्राइव इसमें है और ट्विन टर्बो इसमें 4 व्हील ड्राइव का मज़ा आप ले सकते हैं। तमाम फीचर इसमें ना, अब ये इसका 360 का फीचर ज़रा एक बार देख लेते हैं। देखिए ये आपकी गाड़ी की पोजिशनिंग को समझने में बड़ी आसानी होती है इसके ज़रिए। 360, इसमें 2D का भी ऑप्शन है, 3D का भी ऑप्शन है। कोई भी आपके आसपास से गुजर रहा है, आपकी गाड़ी किस पोजीशन में खड़ी है, अच्छा फीचर है। देखिए इस गाड़ी में जो इतने सारे फीचर्स के बीच में जो ज़बरदस्त फीचर्स हैं ना, जो अट्रैक्ट करेंगे लोगों को और कर रहे हैं, एक तो इसका टर्निंग रेडियस जो मुझे महसूस हुआ बहुत ही अच्छा है। माइलेज जो है अगर बात करें तो वो ठीक ठाक है, सिटी में 12-13 आपको आसानी से मिल जाएगा। देखिए गाड़ी तो खूबियों से भरी हुई है लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर मुझे लग रहा है कि ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो यहाँ पे होता तो शायद और बेहतर तरीके से गाड़ी और अच्छी दिखती, सोने पे सुहागा वाली बात हो सकती थी। देखिए एक तो सबसे पहले है कि अगर सीट की बात करें तो ड्राइविंग सीट और को पैसेंजर सीट महंगी गाड़ियाँ हैं तो इसमें ड्राइविंग सीट में तो वेंटिलेटेड सीट दिया गया है लेकिन को पैसेंजर के लिए ऐसा नहीं है। ये थोड़ी सी खलती है ये बात। स्क्रीन को अगर आप देखें तो इसकी कैमरा क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी सी और इसकी कैमरा क्वालिटी बेहतर हो सकती थी। ये जगह है जहाँ पे आपको USB सॉकेट दिख जाएगा, 12 वोल्ट का ये जगह है, लेकिन अगर आपको फ़ोन अपना चार्ज करना हो तो उस तरह का सी टाइप केबल की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। और देखिए इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी है तो यहाँ पर ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए था कि एक वायरलेस सिस्टम होना चाहिए था फ़ोन को चार्ज करने का। इससे कम कीमत की गाड़ियों में भी इस तरह के फीचर दिए गए हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है। गाड़ी चलाते वक्त बॉडी रोल वाली एक थोड़ी सी दिक्कत मुझे महसूस हुई। देखिए ये गाड़ी ऐसी है कि वैसे तो जिस तरह से डिज़ाइन की गई खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से थोड़ी ये गाड़ी हिलती है तो वो आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है, या कहिए कि थोड़ा सा डराती है। इसके अलावा अडास इसमें एक फ़ीचर दिया हुआ है ड्राइवर के लिए कि वो असिस्ट करता है अगर कहीं से कोई गलती होती है, तो अडास का लेवल जो है वो 1 है। वो लेवल और बढ़ाया जा सकता था या थोड़ा से और एडवांस किया जा सकता। टर्बो लैग थोड़ा सा महसूस हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिस पर अगर कंपनी ध्यान दे तो ये और बेहतर और अच्छे तरीके से लोगों के दिलों में जगह बना सकती है। फुल साइज़ SUVs की अगर बात करें तो वो पावर का ही खेल है, पसंद है, बल्कि गाड़ी दिखती है, लोग उसको उसी तरह से पसंद करते हैं। और
इस तरह की गाड़ियाँ और इस सेगमेंट में देखा जाए तो फॉर्च्यूनर सबसे ऊपर रही है, लेकिन फॉर्च्यूनर को अगर आंकड़ों की बात करें तो ये पीछे छोड़ती हुई दिख रही है। टॉप थ्री में इसने पिछले महीने जगह बनाई, ये बड़ी बात है। इतनी तेज़ से अगर ये स्पीड रही तो और आगे भी जाएगी। इस तरह की गाड़ियाँ मोस्टली अगर देखा जाए तो पॉलिटिशियंस रखते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट रखते हैं, यूथ इस तरह की गाड़ियों को अपने साथ लेकर चलना काफ़ी पसंद करते हैं। तो वो फीचर्स भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो इसमें दिया हुआ है। देखिए, अब ये SUV है तो दूसरी रो को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है कि दूसरा रो कैसा है। देखिए, ये दूसरा रो के लिए मैं एंट्री ले रहा हूँ। जो पोजीशनिंग मेरी ड्राइविंग सीट की थी उतनी ही है। यहाँ पे मैं अगर बैठा हूँ तो मेरी पोजीशन, मेरा हेडरूम देखिए वो तो बहुत ही ज़्यादा है, लेग रूम भी ठीक ठाक है। यहाँ पर आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, यहाँ पर कप की दो जगह है। मतलब जिस तरह से यहाँ पे जगह है वो मुझे लग रहा है कि तीन लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। इसके अलावा AC के कंट्रोल के लिए ये पैनल यहाँ पर दिया हुआ है, और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर आगे का जो भी टेम्परेचर है, दो अलग अलग टेम्परेचर वहाँ मेंटेन किया जा सकता है, और यहाँ पर भी मैं AC का टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर एक इस तरह से हैंडल पकड़ने के लिए दिया हुआ है, लाइट यहाँ भी आपको दी गई है, सनरूफ का मज़ा यहाँ भी आपको मिलेगा। यहाँ पे जिस तरह से अगर ये देखा जाए, इसको थोड़ा सा अप किया गया है ताकि थाई सपोर्ट जो है मिले, वो एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेकेंड रो भी पूरी तरह से कंफर्टेबल है। SUV में सेकेंड रो के बाद ये जानना ज़रूरी रहता है कि थर्ड रो कैसा है, कितनी जगह है, आरामदायक है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, एंट्री बहुत टफ तो नहीं। देखिए, यहाँ पर ये एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है, बस इसको आपको उठाना है, ये नॉब अपने आप ये पीछे आएगा और हल्का सा शिफ्ट कर देना है, और उसके बाद आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो मुझे तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है, जैसा होता है थर्ड रो में जाने के लिए कई बार थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, और जगह भी है अच्छी खासी। हेडरूम वैसे यहाँ पर मिल रहा है, लेग रूम भी प्रॉपर है, दूसरा पैसेंजर यहाँ पर आराम से बैठ सकता है। AC के लिए अगर सेकंड रो में जिस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उस तरह से यहाँ पर ये जगह दी गई है, यहाँ से आप AC का मज़ा ले सकते हैं। कप रखने की एक ये जगह है, एक यहाँ जगह है। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कुछ चार्जिंग या इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। तो थर्ड रो भी ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। ये गाड़ी जितनी साइड से, फ्रंट से अच्छी लगती है, पीछे से भी उतनी दमदार लगनी चाहिए। तो देखिए, MG का यहाँ पे बैज, इंटरनेट इनसाइड जो MG गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है, इसको हाईलाइट नहीं किया गया है, वो अलग बात है। 4-wheel ड्राइव है, अडास फीचर है इसमें, तो तमाम चीज़ें, और पीछे से अगर देखें तो रेड इंसर्ट के साथ ओवरऑल जो ये गाड़ी दिखती है काफ़ी अट्रैक्टिव। खूबसूरती के साथ स्पेस भी बहुत मायने रखता है ना, पीछे डिग्गी या बूट स्पेस जो भी आप कहें, तो वो जगह कितनी है इसे देखने के लिए ही मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ। तो यहाँ एक बटन है, आप खोलेंगे और यहाँ पर आपको स्पेस दिखेगा। देखिए, अंदर आप अगर स्पेस को देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। मेरा ये छोटू सा एक बैग है, मैंने वहाँ पर इसको रखा हुआ है, तो अगर हाइट वाइज देखें तो इतना इस तरह से एक स्पेस है यहाँ पे रखने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर बात करें SUVs की, तो अगर बूट स्पेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता भी नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज़ होती है कि अगर आपको जगह बनानी है तो इसको खींचो, फोल्ड करो, और उसके बाद आपके पास एम्पल ऑफ स्पेस, बहुत अच्छा खासा स्पेस मिलता है। यहाँ अगर आप अंदर आएंगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट का एक जगह यहाँ पे दिया हुआ है। यूजली वो इसका इस्तेमाल ऐसे हो सकता है कि अगर गाड़ी पंक्चर वगैरह हो गई है, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिकली ऐसे गैजेट्स आते हैं जिसमें हवा भर जाती है, तो उसके लिए यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बूट स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर इसके फीचर का इस्तेमाल करें तो
ठीक ठाक अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक बटन है, आप इसको दबाएंगे और ये अपने आप बंद हो जाएगी। तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं MG Black Storm में, बावजूद इसके आपको सावधानी से ड्राइव करना है। ये फीचर्स आपकी ड्राइविंग को, आपके सफ़र को सहूलियत देने के लिए हैं, लेकिन बेअंदाजी के लिए नहीं। ये ख्याल रखिएगा जब भी आप ड्राइव करें, सफ़र करें, कि कोई है जिसे आपके साथ की ज़रूरत है, कोई है जो हर रोज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।